जब वर्ल्ड का पहला आईपॉड बना तब स्टीव जॉब ने उसे एक्वेरियम में फेंक दिया। दोस्तों आईफोन से पहले एप्पल कंपनी का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट आईपॉड ही था, और जब 2001 में कोई बंदा आईपॉड का आइडिया लेके स्टीव जॉब्स के पास आया तब वो समझ गए थे कि अब लोगों को गाने सुनने के लिए रेडियो से अपने कान चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जॉब्स ने डिसाइड किया कि डिवाइस जितना छोटा होगा लोगों को अपने पॉकेट में कैरी करने में उतना ईजी पड़ेगा। और फाइनली महीनों एक्सपेरिमेंट के बाद इंजीनियर्स ने सबसे छोटा आईपॉड बनाया और स्टीव जॉब्स के पास अप्रूवल के लिए ले गए। स्टीव जॉब्स ने कहा कि ये तो बहुत छोटा नहीं है, ये तो जींस के पॉकेट तक में नहीं आएगा। तो इंजीनियर्स ने कहा कि सॉरी सर, इससे छोटा डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है। तब जॉब्स ने क्या किया कि उस आईपॉड को एक्वेरियम में फेंक दिया और कहा कि ये बबल्स देख रहे हो, बबल्स का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में अभी भी बहुत स्पेस है और स्पेस को कम करने के लिए चिप का साइज छोटा करना पड़ेगा, डिवाइस में लगे वायर को पतले करना होगा। और दोस्तों 4 से 5 महीनों बाद वो इंजीनियर एक परफेक्ट आईपॉड बनाकर लाया जो पहले से बहुत थिन और छोटा था। जॉब्स को पसंद आया, उन्होंने अप्रूव किया और आईपॉड उस साल का मैसिव सक्सेस बन गया।